वेलकम टू द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ Asus VivoBook 16X। तो ये रहा लैपटॉप और ये रहा Amazon का पेज। बट लॉन्ग टर्म रिव्यू शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि यार ये ना कोई भी नॉर्मल रिव्यू नहीं है। रिव्यू मैं बना चुका हूँ, सारे फीचर्स, सारे फ्लॉस, सारे बेंचमार्क उसमें कवर हो गए हैं। जहां पर हम प्राइमरीली बात करेंगे मेरे ओपिनियन की, मेरे एक्सपीरियंस की, मुझको कैसा लगा, क्योंकि ये लैपटॉप काफी टाइम से है एंड तुम लोगों ने मांगा और मैंने प्रॉमिस करा कि अब से हम एक नई लैपटॉप सीरीज शुरू करेंगे जहां पर हम बहुत सारे लैपटॉप का लॉन्ग टर्म यानी कि एक महीना दो महीने बाद बताएंगे कि कैसा रहा है और क्या क्या उसमें इश्यूज चल रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म रिव्यू से पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अरे नॉर्मल रिव्यू नहीं है, बेंचमार्क, परफॉर्मेंस ये सब इसमें नहीं आएगी। इसमें हम यूजुअली इंक्लूड करेंगे बहुत अच्छे फीचर जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, इश्यूज जो मैंने फेस करे, और एक बार अमेज़न पे जाके देखेंगे कि लोगों ने क्या रिव्यू डाल रखे हैं, मेरा क्या ओपिनियन है उन पे, और सबसे जरूरी चीज मेरा रिकमेंडेशन कि मैं क्या इस लैपटॉप को रेकमेंड करता अभी हूँ या नहीं। तो शुरू करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ। बट सबसे पहले एक बार इसके स्पेक्स देख लो। तो देखो ये वाला तुम्हारा Asus VivoBook 16X है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ तुम्हें 16 इंच का लैपटॉप है जो कि Ryzen 5 5600H के साथ आता है, 8GB RAM, 512GB की SSD, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, विंडोज 11, MS Office, 1.8KG का वेट। अब देखो सबसे बढ़िया फीचर इस लैपटॉप का है इसका डिजाइन। तो 16 इंच का ये लैपटॉप है एंड सिल्वर फिनिश और ब्लू फिनिश दोनों आ चुके हैं। रिव्यू में ब्लू मिल जाएगा, अभी मेरे पास सिल्वर है तो दोनों तुम्हारा काम ही कर देगा। अच्छा है, पतला है, हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड वाइज लिटरली कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक अच्छा फीचर जो मुझे लगा वो है 180 डिग्री। तो यार ये भी काफी अच्छा फीचर है, ये भी तुम्हें रिव्यू में देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, अगर तुम लोग मूवी देखते हो या फिर नॉर्मल कोडिंग, वेब ब्राउजिंग, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। यूजुअली 15.6 इंच की स्क्रीन मिलती है, 16 से एक अच्छा प्लीजिंग एनवायरनमेंट मिलेगा तुम्हें। फिर दूसरा पॉइंट इज लैपटॉप पावरफुल है, कोई डाउट नहीं। क्यों? Ryzen 5 5600H Pro, 5600H बढ़िया है या फिर i5 11 Gen? Undisputed 5600H। और अगर मैं i5 12 Gen से कंपेयर करूं 5600H को, तो यार अगर तू i5 12 Gen के अल्ट्राबुक वाले से कंपेयर करता है तो ये फास्टर है, और अगर तू i5 12 Gen के गेमिंग वाले से कंपेयर करता है तो ऑब्वियसली गेमिंग वाला ही बेटर है। बट भूलना मत, गेमिंग वाले प्रोसेसर 70 से 80 हजार ज्यादा के आ रहे हैं आजकल। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ, ये वाला तुम्हारा गेमिंग लैपटॉप वाला प्रोसेसर जो कि इस अल्ट्राबुक में दिया है उन लोगों ने। फायदा है तुम्हें 8000 से ज्यादा का सिनेबेंच मल्टीकोर स्कोर मिलेगा। बेंचमार्क्स के लिए रिव्यू देख लेना, बट भाई बहुत ही सही है, बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम लोग कोडिंग करने वाले हो, वेब ब्राउजिंग, BCA, BSc, MSc, जो भी तुम्हारा कोर्स है, ठीक है, एक्सेप्ट तुम्हारा गेम डेवलपमेंट या फिर बहुत हैवी काम, ठीक है, तो उनको छोड़ दो तो तुम्हारे सारे काम कर देगा। और घर में बच्चों, ऑफिस स्टाफ, हर चीज के लिए प्रोसेसर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अच्छी बात एक और है कि इस लैपटॉप में ना दोनों वेरिएंट आते हैं, 8GB वाला और 16GB वाला, दोनों के दोनों अच्छे प्राइस पे आते हैं। प्राइस देखो सबसे बढ़िया चीज वही है। अब ये 8GB वाला वेरिएंट है, ये वाला तुम्हारा 46,000 का आ रहा है, और अगर मैं 16GB वाला वेरिएंट होता हूं तो वो 52,000 का आ रहा है। यानी कि दोनों मामले में दोनों ही बढ़िया है। नेक्स्ट एक फीचर जो कि डे टू डे में तुम्हें काफी हेल्प करेगा वो है इसके पोर्ट्स। तो यार पोर्ट्स यहाँ पे सारे हैं, USB टाइप ए भी है, टाइप सी भी है, और बहुत सारे पोर्ट्स है स्पेशली राइट हैंड साइड पे। बट यहाँ पे RJ45 पोर्ट नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता लैन पोर्ट होता है, अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि यार लैपटॉप पतला है, अगर उसको डाल देंगे तो लैपटॉप मोटा बनाना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा ट्रेड ऑफ है, तुम्हें क्या चाहिए, मोटा लैपटॉप या पतला लैपटॉप विदाउट RJ45। तो आई विल से RJ45 सही है, बट क्योंकि वाईफाई 6 है तो उसकी कमी तुम्हें यहाँ पे खलेगी नहीं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यार लैपटॉप का ट्रैक पैड इज वेरी गुड, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रैक पैड, एंड मैं ट्रैक पैड का पर्सनली फैन हूँ, तो ट्रैक पैड के मामले में लैपटॉप टॉप नॉच है। उसके बाद इसका वेबकैम, वेबकैम क्वालिटी इज ओके, बट वेबकैम में शटर मिलता है यार, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो अगेन यहां पर भी मैं बोलूंगा कि कंपनी ने अच्छा काम किया, वेबकैम में शटर दिया, आई विल से गो फॉर इट। तो ये थे कुछ ऐसे फीचर जो पर्सनली मैंने काफी कनेक्ट करा जिनसे। तो यार बात करें इश्यूज की, तो इस लैपटॉप में कोई इशू नहीं है या फिर क्या सीन है इशूज का? वेल इशूज हैं, इशू पे बताता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहला इशू जो मैंने देखा है वो है यार डिस्प्ले क्वालिटी इज नॉट 100% एक्यूरेट। कंपनी खुद बोलती है 45% NTSC के साथ ये आता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है डिस्प्ले बेकार है, डिस्प्ले अच्छी है नॉर्मल कामों के लिए, कोडिंग, बोर्डिंग और जो भी तुम करते हो घर में, बच्चे, मूवी, वेब ब्राउजिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटोशॉप मत लेना, और भी ग्राफिक इंटेंसिव काम जो होते हैं जहाँ पे तुम्हें कलर एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए इसको अवॉइड कर सकते हो, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने बाहर ना बाजार में बहुत ऐसे बना रखा है कि डिस्प्ले क्वालिटी बेकार है, पर्सनली मुझे तो नहीं लगी। फिर अगला कौन जिसे तुम बोल सकते हो वो है इसकी बैटरी लाइफ, 5 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ ये देता है। और अगर मैं अमेजन की मानूं तो वहां पे अप टू 8 आवर्स लिखा है, तो आई विल से 8 बोल के 5 से 6 दे रहा है, जस्टिफाइड है। अब रीजन भी है, ये तुम्हारा 5600H यानी कि एक पावरफुल प्रोसेसर है,
अब क्योंकि एक पावरफुल प्रोसेसर है तो उसके साथ यार पावरफुल बैटरी वो सक करेगा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इट्स लाइक यार अगर गाड़ी हैवी इंजन वाली लोगे तो पेट्रोल ज्यादा देना पड़ेगा उसको, है ना। सिमिलरली अगर हैवी प्रोसेसर लोगे तो बैटरी वो ज्यादा लेगा। 5 से 6 घंटा बुरा नहीं होता है, ट्रस्ट मी। गेमिंग लैपटॉप 3 से 4 घंटे में जिंदगी काट देते हैं अपनी, 5 से 6 इसमें मिल रहा है। और अगर तुम प्रॉपर अल्ट्राबुक पे जाओगे विद अल्ट्राबुक टाइप प्रोसेसर तो वो तुम्हें 7 से 8 घंटे का दे देगा, बट इसमें विद अ ग्रेट परफॉर्मेंस 5 से 6 इज वेरी गुड। फिर यार अगला इशू जो मुझे इसका लगा वो है इसको तुम एक हाथ से तो नहीं खोल सकते, ठीक है, बट देना चाहिए था यार। तुम एक अल्ट्राबुक टाइप फीचर है, 2 हाथ तुम्हें लगेंगे इस लैपटॉप को खोलने में, तो ठीक है, इशू कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो, बट यही है जो है। बाकी अगर तुम वीडियो में अभी भी रुके हो और तुम्हें ऐसा ही हाई वैल्यू कंटेंट चाहिए विद लॉन्ग टर्म रिव्यू जहां पे मैं बहुत ही एनालिसिस करने के बाद तुम्हारे पास कंटेंट लाता हूं, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। अब चलते हैं सीधा अमेज़न पे और ऑनलाइन रिव्यूज देखते हैं। तो वहां पर लोगों ने बोल रखा भाई इसमें कीबोर्ड में फ्लेक्स बहुत है। रियली? वेल देखो यार मैंने टेस्ट करा इसको अच्छे से और मेरे को कीबोर्ड में फ्लेक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। जिनको दिख रहा है वही जानते हैं क्यों दिख रहा है। अगर एज अ रिव्यूअर मेरे को नहीं दिख रहा है तो आल से तुमको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो कीवर्ड फ्लेक्स इज अ स्ट्रिक्ट नो। अब है मुद्दे की चीज, मेरा रिकमेंडेशन कि मैं इस लैपटॉप को रिकमेंड करता हूं या नहीं करता हूं या क्या सीन है। वेल इट्स अ नो ब्रेनर, लैपटॉप इज वेरी गुड, ठीक है, बहुत सस्ता है। 8 GB वाला वेरियंट 47,000 का है और अगर मैं तुम्हें 16 GB वाला दिखाऊं तो यार वो 53,000 का है। दोनों ही मामलों में प्राइस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दो राइजन 5 7000 सीरीज का लैपटॉप भी आ चुका है बाजार में, जिसका रिव्यू हम कर भी चुके हैं, तो उसको भी तुम जाके चेक कर सकते हो। और अगर तुम इसी लैपटॉप को ऑफलाइन लेना चाह रहे हो तो ये लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है हमें फ्यूचर आईटी जोन वालों, जिनके दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे शोरूम्स अवेलेबल हैं, तो उनको जाके जरूर चेकआउट करें और वहां पे तुम्हें ईएमआई भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं इस तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।